कोरोना काल में नीतीश सरकार के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले का है, जहां उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब हासिल करने वाले पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला ने कोरोना गाइडलाइंस और कानून के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अपराध जगत में काफी नाम कमाने वाले ये शख्सियत रात भर भोजपुरी की बोल्ड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ डांस करते रहे। हद तो तब हो गई जब इनके सुरक्षाकर्मी और बिहार पुलिस का जवान कार्यक्रम स्टेज के पास कार्बाइन उठाकर दनादन फायरिंग करने लगा। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैशाली पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया है। पूरी घटना वैशाली जिले के सदर अनुमंडल की है, जहां लालगंज थाना के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के कार्यक्रम में भोजपुरी की बोल्ड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने सरकार के नियम कानून को अपने पांव तले कुचल दिया। गीत संगीत के कार्यक्रम में बाहुबली मुन्ना सिंह के साथ अभिनेत्री अक्षरा सिंह मंच पर ठुमके लगाती नजर आई। मुन्ना शुक्ला की पत्नी और पूर्व विधायक अनु शुक्ला भी स्टेज पर डांस करते हुए दिखे। मुन्ना शुक्ला का बॉडीगार्ड भी तमाम हदों को पार करते हुए देखा गया और उसने पुलिस की वर्दी में कार्बाइन निकालकर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। उसने दनादन इतनी फायरिंग की कि पूरा माहौल धुआं धुआं हो गया। जिला प्रशासन के कथित इतनी सख्ती के बावजूद भी इस कार्यक्रम पहुंचने की पैर रखने की भी जगह नहीं दिख रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की जमावड़ा देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के अलावा और कई स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था। यह कार्यक्रम देर रात तक चला, लेकिन इसे रोकने और टोकने वाला कोई मौजूद नहीं था।